मेरी बैड हैबिट यार एक होती तो मैं बता देता, रैबिट बैड में कई है तो अलग से पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा। कोई मौका मिला है थ्रीसम के लिए? नहीं मिला तो देखी जाएगी। कभी किसी गे के साथ एनकाउंटर हुआ? आई वुड से एनकाउंटर्स हुए हैं, बट देन देव ऑलवेज बीन वेरी नाइस टू मी। कई लोग तो आप दोनों को जुड़वा बोलते हैं। मुझे भी हाँ, मुझे उसे तो आपको अपेरेंटली पता नहीं क्यों जुड़वा बोलते हैं। पहले से मम्मी के ज्यादा क्लोज तो मतलब बड़ा ही बेटा होता है। तो यार वो मम्मी पार्लर चलाती थी और हम दो बच्चे थे, तो एक अलग ही समाज में होता ना कि हम लोग कुछ भी नहीं थे। तो फिर मम्मी ने मुझे भेज दिया, मैं भी गया, ऐसा ऑडिशन दिया कि उन लोगों ने सेलेक्ट ही नहीं किया। टोन थी बोलने की और ऐसे ही देखिए, अरे यार हम बोल रहे हैं यार, हमसे ऐसे मत बोलो। तुम यार अबे तुम चुप करो यार। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, गर्लफ्रेंड मेरी बनी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। लास्ट हुकअप कब था आपका? जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था। तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो में, जिसका नाम है पॉडकास्ट अड्डा विद गौतम नैन एंड पुलकित राघव, प्रेजेंट्स बाय नित्यानंदा फार्म्स, टेस्ट द ट्रेडिशन। तो आज के जो हमारे गेस्ट है हीरो, क्या बताएं उनके बारे में? अभिषेक निगम, स्वागत है भाई। हीरो वाली एंट्री। थैंक यू भाई, मैं लेजिट सोचा था कि ऐसे कुछ फाड़ के निकलूंगा, बट मैं पहले से यहाँ मौजूद और अपनी ऐसे तारीफ सुना, काफी लंबी तारीफ करी, काफी लंबा इंट्रोडक्शन था ये। मैंने सोचा नहीं था इतनी ज्यादा तारीफ करोगे मेरे बारे में और इतना बड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारे भाई, क्या बताएं इनके बारे में? इन्होंने हीरो शो क्या हिट हुआ है, क्या बात है, पानीपत मूवी क्या बात है, उसके पहले अकबर क्या बात किया है ना, और तो पता नहीं क्या क्या किया है, क्या बताएं जो हमने साथ में किया वो इसने। चंद्र नंदिनी भी जिसमें मेरा भाई बना था, बद्र केतु और मैं एडोनिस। देखो तो ये होती है मेमोरी तो देखो आज स्वागत करते हैं तो हमारे भाई का, अभिषेक निगम। थैंक यू बहुत बहुत आभारी हूँ आपका भी, आपने मुझे यहाँ बुलाया है। ऐसा है क्या? और देखो बोल तो मैं कुछ और रहा हूँ, मन में कुछ और चल रहा है, वो दुनिया देख रही है। कुछ अच्छा ही बोल दे। अच्छा है बहुत अच्छा है। एंड मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ अपने गौतम भाई के लिए कि इन्होंने ये प्यारा इनिशिएटिव लिया हुआ है, पॉडकास्ट कर रहे हैं, यस गॉटन इनटू दिस फील्ड और बहुत अच्छा कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है गौतम कभी भी कुछ भी करता है तो उसके लिए आई एम ऑलवेज वेरी प्राउड एंड मेरा सपोर्ट हमेशा गौतम के साथ रहता है। थैंक यू भाई। एंड पुलकित भाई, आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है तो अब लेट्स सी आप दोनों की जोड़ी बढ़िया हो, लोग आपको प्यार दें, पसंद करें। बस इतना ही चाहिए। तो कैसा लग रहा है हमारे शो में आके? बातचीत है नहीं है? देखो तुम्हारे शो में आके मुझे अच्छा तो लग रहा है, ये झूठ है। गौतम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, गौतम मुझे जानता है कम से कम नहीं तो 5-6 साल हो गए होंगे ब्रो, और हमने सुख दुख ऊपर नीचे उतार चढ़ाव सब साथ देखे हैं, तो इसको बताने की कोई जरूरत तो है नहीं, ये सारी चीजें तो जानते ही है। तो भाई मैं तो जानता क्या, मैं तो सब जानता ही हूँ। हाँ। आपके फैंस और ये सब लोग भी जाने ना कि अभिषेक निगम, अरे वो मुझको मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो कभी कभी शॉक हो जाता हूँ कि जो बातें मुझे नहीं पता होती वो उनको पता होती है, फिर मुझे पता लगती है। अच्छा ये मैंने किया था। अभिषेक के फैंस तो बहुत है, इंडिया में भी, इंडोनेशिया में भी, बहुत जगह तेरे फैंस है यार, मैंने देखा है अपने इन आंखों से। तेरी लाइफ से स्टार्ट करते हैं, बचपन से, मतलब कहाँ से है प्रॉपर? मैंने देखो बचपन मेरा ऐसा रहा है कि काफी ऐसा होता ना कि एक जगह पे नहीं रहा हूँ मैं हमेशा। मेरी शुरुआत हुई थी एमपी से, मतलब अगर मैं बोलूं कि दरअसल मेरी पैदाइश, मैं पैदा हुआ था एमपी में, मध्य प्रदेश में। उसके बाद एक ट्रेजेडी हुई जिसकी वजह से हम उत्तर प्रदेश आ गए। ओके। फिर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में थे,
और फिर उस गांव से हम एक कस्बे में आ गए इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं लोग। तो हम प्रयागराज आ गए, फिर वहां पे मेरा एक बहुत लंबा टाइम गुजरा। वहां पे मैंने अपनी सिक्स्थ से जो मेरी पढ़ाई है वो शुरू की थी, ट्वेल्थ तक फिर मैं वहीं पढ़ाई गया। फिर ट्वेल्थ के बाद मैं अपना कॉलेज के लिए पुणे आ गया। तो सिद्धार्थ तो पहले से ही बचपन से ही फिल्मों में आ गया था, टीवी में, फिल्मों में, तो चस्का तो चढ़ा होगा ना? ऐसा लोगों को लगता है, पर हम लोग ऐसा था नहीं। क्या था कि मेरा जो परिवार है, हमारा जो परिवार है, हमारे यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम है पढ़ाई करने का। अच्छा। कि हम सबको ना पढ़ाई बहुत जरूरी है। जैसे मेरे सारे चाचा, मेरी सारी बुआ लोग, सब लोग मतलब एमए, बीएड, एमएससी और ये सब मैथमेटिक्स एंड ऑल दैट, हाईली एजुकेटेड। हाँ, सब हाईली एजुकेटेड हैं। और सो अब हम लोग निगम हैं, कायस्थ हैं, तो हमारे कम्युनिटी में ऐसा होता है कि यू हैव टू बी वेरी स्टूडियस, यू हैव टू, यू नो, तुम कुछ भी करो पढ़ने में अच्छे होने चाहिए, ऐसा होता है। तो मेरी मम्मी को भी ऐसा था कि यार पढ़े मेरे दोनों बच्चे। और तो मैं हमेशा से, मेरा जो रुझान था वो पढ़ाई की तरफ था। अच्छा। और मतलब सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ तक तो मैं बहुत अच्छा था पढ़ने में, बहुत पढ़ाई करी। फिर टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ जो होती है जर्नी, एक हर लड़की की जिंदगी में अलग थोड़ा होता ना, माहौल चेंज होता है। तो फिर वहां पे मैंने देखा कि ओह, पढ़ाई डगमगा रही है। उसके बाद सो ट्वेल्थ हैपेंड वहीं पे इलाहाबाद में, प्रयागराज में। उसके बाद फिर जब मुझे समझ में आया कि यार देखो, अब इंजीनियर तो बन नहीं सकते, क्योंकि इंजीनियर बनने के लिए चाहिए होती है मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, तो वो तो अच्छी थी नहीं। तो फिर मैंने एक मेरे पड़ोसी थे, उनके सजेशन पे लॉ चुन लिया। फिर मेरी जर्नी पुणे की तरफ बनने का सोचा। हाँ, तो इन सब जर्नी के दौरान जब मैं नाइन्थ में था, नाइन्थ में था, तब सिद्धार्थ गॉट इन टू एक्टिंग। Okay. And he was here in Mumbai and shooting, coming back, और more than shooting उसका gymnastics में ज़्यादा था। और मैं अपना पढ़ाई, और मैं lawn tennis खेलता था उस time पे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें उस तरफ जाना है, और ज़्यादा knowledge भी नहीं थी honestly उस time पे। तो ऐसा लगता था कि मतलब knowledge का जो IQ level था, वो बता रहा हूँ कि ऐसा था कि जो TV में हो रहा था वो मुझे सही लगता था नौवीं दसवीं तक। तो दसवीं में आके पता चला कि यार एक्टिंग होती है, शूटिंग होती है, फलाना ढिकाना। मतलब इससे पहले की बात करते, फैमिली कंडीशन, मतलब जो मैंने सुना है, जैसे अब तो भगवान की दुआ से सब है, टच वुड ऐसा ही होना चाहिए, है ना? तो पहले की बता, पहले क्या था सिचुएशन? कि पहले की जो सिचुएशन थी, मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं कहूँगा कि मैं उसे बुरी नहीं कहता। मैं उसे कभी भी ये नहीं कहता कि बहुत ख़राब थी और वैसी थी। टच वुड आई हैड अ गुड फैमिली, बट देन अगेन इश्यूज हैपेंस इन एवरी फैमिलीज एंड एवरीवेयर। सो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ऐसा आ गया था जहाँ पे सिर्फ मैं, मम्मी एंड सिद्धार्थ थे, बिकॉज आफ्टर माई फादर पास्ड अवे। और यू नो, लाइक फॉर अ सिंगल लेडी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, यू नो, कम अ लॉन्ग वे टिल हियर। तो उनके साथ वैसा था। तो मैं हमेशा से एक्चुअली मैं शुक्र गुजार हूँ उस टाइम का भी, कि क्योंकि उस टाइम ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, हमें एक होता ना कि स्ट्रांग बना दिया, हर टाइम सिखा के जाता। हाँ, तो मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि हम, मैं और मम्मी अभी भी बात करते हैं कि वो जो समय था हम उसमें भी इंजॉय करते थे, हम इसमें भी इंजॉय करते हैं। तो ऐसा कुछ मैं नहीं कहूँगा चेंज आया है, चेंज सिर्फ इतना आया कि कुछ चीज़ें जो उस समय पर मुश्किल लगती थी, अभी थोड़ी आसान हो गई। और मैंने ये भी सुना है कि मम्मा जब सिद्धार्थ को ये मिली, फिल्म मिली, तो जॉब छोड़नी पड़ी थी। मम्मी ने बोला यार मैं जॉब के, मतलब गवर्नमेंट जॉब छोड़ना बहुत इजी नहीं होता, बहुत रिस्क वाली बात थी, बिल्कुल बहुत। एक्चुअली इसके पीछे की बात ये थी कि जो मम्मी क्या थी ना यार, अब पता तो था नहीं कि अब, यू नो, अगर हम बात करें, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चे हैं या फैमिलीज हैं, वो शायद यही सोचते हैं कि यार बच्चा पढ़ेगा, पढ़ने के बाद कॉलेज करेगा, कॉलेज के बाद कहीं नौकरी लगेगी, तो पहले महीने की पेमेंट उसकी 40-45 हज़ार की होगी। सेम बेसिक मेंटालिटी हमारी भी थी कि यार मम्मी को कुछ काम करना पड़ेगा, एक सेटल्ड जॉब ढूंढनी पड़ेगी, ताकि हमें, और उस टाइम पे जब हम छठवीं में या पांचवीं में थे, तब तो उनको और आगे का सोचना था, क्योंकि 5 साल कॉलेज, फिर 5-6 साल की पढ़ाई बची है, मेरी भी, सिद्धार्थ की भी, और हम दोनों की जिम्मेदारी उनपे थी। तो उनका ऐसा था कि मुझे कुछ जॉब ढूंढना है। और एक पॉइंट पे शी वाज लिटरली यूज्ड टू प्रिपेयर एवरीथिंग, मतलब टीईटी के एग्जाम्स देना, टीचिंग के सारे एग्जाम्स देना, एंट्रेंस एग्जाम्स, ब्रो, और सारे एग्जाम्स देती थी। और बहुत मुश्किलों के बाद उनकी एक जॉब लगी,
एंड यू नो लॉट्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो हैपेंस यार उस टाइम पे, यू नो कि आपको इसका सोर्स लगाओ, उसका सोर्स लगाओ, इससे बात करो, और अब उस समय तो जुगाड़ था नहीं, तो जो था मेहनत के भरोसे पे था. तो मम्मी ने, मम्मी की बड़ी मुश्किल से जॉब वॉब लगी थी, बट फिर वही होता है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान भगवान होता है. तो हमें भी कभी पता ही नहीं था, सिद्धार्थ अपना जिमनास्टिक्स में बिजी था, मैं अपना इधर बिजी था पढ़ाई लिखाई में और टेनिस वेनिस खेलता था. तो हमें तो ऐसे ही था कि भाई 12वीं के बाद में हम कुछ करेंगे, और इन द मीन टाइम जो छोटे मोटे काम हम लोग ऐसा सोचते रहते थे, ढूंढते रहते थे कि क्या कर लें, कभी ट्यूशन पढ़ा दिया, कभी कोचिंग पढ़ा दी, कभी ये कर लिया. तो बट उससे भी ऐसा कुछ होता नहीं था, कभी कभी कुछ मिल गए मजे तो मिल गए, नहीं तो ऐसे ही था. तो अचानक से सिद्धार्थ को ऑफर आ गया, एक कॉल आ गई. आई मीन वो कहीं जिमनास्टिक्स कर रहा था दिल्ली में, तो वहां पे कंपटीशन के लिए गया हुआ था, मम्मी के साथ ही गया हुआ था. तो वहां पे एक कंपनी आ गई जिन्होंने सिद्धार्थ को स्पॉट कर लिया, जिसका बॉर्नविटा का ऐड आया था. तो अब हमें भाई बिल्कुल नॉलेज नहीं किसी बात की, कुछ भी नहीं. सिद्धार्थ को ऑफर आया और सिद्धार्थ को लेके गए, शूटिंग वूटिंग कराई. 3-4 महीने बाद वो ऐड टेलीकास्ट हुआ. एलेजेंड मुझे अभी भी वो मोमेंट याद है कि आई मीन आई थिंक सिद्धार्थ घर पे भी नहीं था, वो हॉस्टल में ही था अपने. मैं मम्मी बैठे हम लोग टीवी देख रहे थे नॉर्मल, सडनली ऐड चल रहा था. तो हम लोग देख भी लिए वो ऐड, ऐसे देख रहे थे, हमको लगा ये तो ओ ओ ओ, फिर हम चीखे चिल्लाए. तो ऐसा था. तो फिर वो शूटिंग लाइन में जब आने लग गया, फिर एक पॉइंट आया कि उसको धूम 3 मिली उस ऐड के तुरंत बाद. तो वहाँ पे एक मोमेंट आया था कि यार अब छोटे बच्चे को नहीं छोड़ सकती ना, और मम्मी एक साथ दो जगहों पे भी नहीं हो सकती. तो उनके लिए एक टफ पॉइंट आया कि यार क्या करूँ. तो वो एक हमारे घर में एक पॉइंट था जहाँ पे मैं कहूँगा मम्मी ने बहुत हिम्मत वाला एक होता है ना डिसीजन लिया, कि उन्होंने आशु की किस्मत और आशु की हार्डवर्क पे बिलीव किया कहीं ना कहीं कि यार शायद इस फिल्म से फिर आगे उसका कुछ फ्यूचर हो. बिकॉज यू नो यार आज की तारीख में भी If you talk about acting, it's very vulnerable. और उस टाइम पे without knowledge उन्होंने इस फैसले को लिया और अपनी permanent एक job छोड़ दी, and then she came to Bombay. इसके ऊपर मैंने सुना है, I don't know सच है या झूठ है, कि job छोड़ने के इन्होंने यशराज ने कुछ पैसा भी अच्छा दिया था फिल्म के लिए. नहीं नहीं नहीं, पैसा उतना ही था. उनको क्या मतलब यार, उनको तो आर्टिस्ट से मतलब है. और अब पर्सनल प्रॉब्लम्स को किसकी कितनी कितनी सॉल्व करेंगे. दिस वाज अ वेरी पर्सनल डिसीजन एंड आई थिंक दे वर नोवेयर इन्वॉल्वड इन दिस वन. ये तो हमारे घर का था कि यार क्या करना है. अच्छा. आशु को अकेले भेजना है या मैं जाऊँ साथ में. तो मैनेज कैसे हुआ फिर, मम्मी सिद्धार्थ के साथ होंगे ऑब्वियसली, वो छोटा था, तो आप वहाँ पे उस टाइम पे कैसे फिर. अब मैं बचपन से ही पता है ऐसा लड़का रहा हूँ घर का, जो घर की लड़की भी रहा है. Okay. समझ रहे हो, मतलब ऑलराउंडर सब कुछ आता है. हाँ, मतलब आई नेवर, मतलब मेरी मम्मी को लड़कियों को बहुत शौक है. उनको हमेशा से था कि मेरी बेटी हो. तो मैं हमेशा से कोशिश करता था कि यार इनको ऐसा ना लगे कि घर में इनके दो मुस्टंडे पड़े रहते हैं कुछ करते बढ़ते नहीं. तो मैं कोशिश करता था कि यार उनका जो घर का काम है वो कितना कम कर सकूं, हेल्प कर सकूं. तो मेरा ऑटोमेटिकली बचपन से ही ना, अभी भी मैं मेरे घर के बहुत सारे काम करता हूँ. यू नो लाइक घर सजा देना, घर साफ रखना, होना भी चाहिए. हाँ, दिवाली में पूरा घर सजाना. हाँ, तो वो सारे काम मतलब मैं कोशिश करता था कि करूँ. तो एक घर की जिम्मेदारी उठाने वाली जो बात थी ना, वो पहले से ऑटोमेटिकली मतलब दिमाग में फीड हो गई थी. तो फिर मम्मी को इतनी टेंशन हुई नहीं, मम्मी का ऐसा था कि चल. हाँ, अभी भी मम्मी को ये है कि अगर मुझे अकेला छोड़ना होता है तो वो नहीं सोचती, वो छोड़ देती है. लेकिन जब उनको सिद्धार्थ को अकेला छोड़ना होता है तो उसको पूरे दिन, एक दिन पूरा बैठ के पूरा उसको ऐसा डिस्क्लेमर देती है, ये बंद कर देना, वो बंद कर देना, ये कर लेना, वो कर लेना. तो वो सब चलता है ऐसा. धूम के बाद फिल्म हो गई, शूट हो गया, आ भी गई. तो मैंने सिद्धार्थ से बात भी हुई थी अभी कि वापस अलाहाबाद पहुंचे. तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब कैसा माहौल था उस एरिया. तो यार देखो, चेंज तो बहुत था ना ऑनेस्टली बताओ तो, पर जो था वैसा सेम ही था. बस हाँ, ये हो गया थी कि थोड़ा समाज में एक नाम हो गया था, एक इज्जत हो गई थी. और मतलब बट बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे. उस टाइम पे तो ऐसा था कि यार जब सिद्धार्थ का ऐड आया था तो ही काफी कुछ यू नो काफी चेंज तभी दिखा. हाँ, और मैं सच्ची बताऊँ तो जो सिद्धार्थ है, ही इज अ ब्लेस्ड चाइल्ड आल्सो, आई ऑलवेज से दिस. एंड मतलब उसका जो हार्डवर्क है वो बहुत अलग तरीके का है, और वो उसके लिए हमेशा मैं कहता हूँ काम भी करता है. तो जब धूम 3 आई, तो वापस आने के बाद ना एक हमारी जो एक समाज में होता ना एक रिस्पेक्ट, वो बहुत बड़ी बात हो गई. बिकॉज क्या था कि उससे पहले कैसा था कि यार सिर्फ ऐसा था कि एक औरत दो बच्चों को पाल रही है, समझ रहे हो. एंड क्योंकि अब जब जॉब छोड़ दी थी तो मम्मी को कुछ और भी करना था, तो मॉम स्टार्टेड हर ओन
ब्यूटी पार्लर बिकॉज वो ब्यूटी टीचर ही थी सोशल साइंस और ये वो, तो ब्यूटी पार्लर था उनका। तो यार वो मम्मी पार्लर चलाती थी और हम दो बच्चे थे, तो एक अलग ही समाज में होता ना कि हम लोग कुछ भी नहीं थे, लाइक जस्ट अ फैमिली, बट देन दिस हैपेंड सो दैट ब्रॉट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड अस। तो सबसे थोड़ा एक मिलने लग गए बात, हाँ फिर सारे लोगों फिर का सपोर्ट भी आ गया, मतलब बन जाते हैं ऐसे लोग भी आ गए जिन्होंने शायद मदद पे कभी ऐसा था कि हाँ, जैसे हम शादी बारात में जब कभी जाते थे तो ऐसा होता था कि हम है ही नहीं, फिर जब जाने लगे तो हम ही हमें, हाँ तो वो सब चीजें होने लगी। बट सच बात यह कि उस चीज ने कभी भी डेविएट नहीं किया, हमें कभी भी हम उस चीज से मुड़े नहीं या भटके नहीं, वही चल रहा था सुबह की रोटी दोपहर का खाना शाम का। एक टाइम पे आके ऐसा था कि सिद्धार्थ अच्छा कमाने लगा था। कमाई तो यार मैं सच्ची बताऊं, देखो कमाई जो थी उस टाइम पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ऐसी कमाई थी कि जो जिंदगी बदल दे, पर हाँ कहीं ना कहीं उस चीज की वजह से एक कॉन्फिडेंस आया, एक नई फील्ड के बारे में हमें जानने को मिला, और फिर वो एक इंटेलेक्ट था मम्मी का जो उन्होंने सही से हर चीज को मैनेज कर दिया, तो वो सारी चीजें मैनेज हुई तो हम फिर इस तरफ मुड़ आए। अच्छा, तो पहले से ही मॉम के ज्यादा क्लोज कौन था? पहले से मम्मी के ज्यादा क्लोज तो मतलब बड़ा ही बेटा होता है। सही बात है, जो पहले आया वो पहले। नहीं, it goes without saying। मतलब मम्मी के तू ज्यादा क्लोज था? हाँ मतलब क्लोज इन द सेंस कि देखो दो तरह की बातें होती है, मतलब तो जैसे मेरे मान लो दो दोस्त है मान ले, तो एक से शायद मैं अपनी पर्सनल जिंदगी डिस्कस कर सकता हूँ, एक से मैं अपनी प्रोफेशनल, बिल्कुल, तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं जिससे पर्सनल डिस्कस करता हूँ वो क्लोज है या जिससे मैं प्रोफेशनल डिस्कस करता हूँ वो क्लोज है। तो हर मम्मी ने अच्छा खासा डिवाइड कर रखा है कि कौन किस चीज में कितना क्लोज है, किससे क्या बातें हो सकती है। तो अभिषेक भाई ऐसा नहीं लगता आपको कि यार ये दुनिया कितनी मतलब है, मतलब जो आप नहीं था ये सब आपके पास, तब आपने बताया कि यार बंदे हेल्प भी नहीं करते थे, हम कहीं जाते थे तो ऐसा था कि हम है ही नहीं, इस तरीके से रिएक्ट, अचानक ही फिर थोड़ा हेड आता है और वो धूम आता है, क्या दे रिश्तेदार लोगों के ना बिहेवियर ही चेंज हो जाते हैं यार। अब देखो यार मैं सही बताऊं तो इस चीज पे हम लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते, हम उनको नहीं बोल सकते, ये नेचर ही है, बिल्कुल दिस इज अ वेरी बेसिक नेचर ऑफ द सोसाइटी आई वुड से, कि जो दिखता है लोग उसी के पीछे जाते हैं, तो ये बहुत बेसिक नेचर है, इसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करता कि बेटे अब आ रहे हो तुम, ये यार अब जो आ रहा है एंड ऑफ द डे मन में उसके क्या है हमें उससे मतलब नहीं, हमारे मन में प्यार है, तुम आ रहे हो भाई यू आर नॉट अफेक्टिंग मी इन एनी वे, तो मुझे प्यार भी दे रहे हो तो आई एम ओके, तो मुझे नफरत भी दे रहे हो तो आई एम ओके, तो वो तुम्हारी सोच है, मेरी सोच इतनी है कि यार मैं अपने ऊपर ही फोकस रखूं और अपने सराउंडिंग में जो है उन लोगों को पॉजिटिव रखूं, तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी मेरे को उस चीज से मतलब नहीं था जो भी होते, पर हाँ जो होते ही निकम्मे हैं तो उनसे हम क्या करेंगे, उनको तो फिर मैं अच्छे से धोता भी हूँ। जब सिद्धार्थ भाई को मूवी मिली, एड मिला, उस टाइम आपको लगा कि यार मुझे भी जाना चाहिए, अट्रैक्शन हुई इस फील्ड से? सच्ची बताऊं तो ऐसा लोगों को लगता बहुत है कि मुझे भी ऐसा हुआ होगा, मुझे भी ऐसा होगा, बट मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल थी ये बातें, मतलब मेरे लिए तो देखो यार ऐसा तब होता जब हमारी सर्कमस्टेंसेस बहुत डिफरेंट होती। अब मतलब मुझे सिंपल सी एक बात बताओ यार कि जैसे इफ यू हैव अ फादर, अब तुम्हारा पिक्चर में हो जाए तो तुम्हारे पिताजी जलेंगे क्या? नहीं, इसका पिक्चर में हो गया है कि तो मेरा भी होना चाहिए, तो मेरी फीलिंग वैसी थी। सो फॉर मी सिद्धार्थ इज लाइक अ चाइल्ड टू मी, तो जब वो फिल्म कर रहा था, वो जब मेरे वो इतना सब कुछ कर रहा था, तो मेरे और मम्मी के लिए तो मैं सच्ची बताऊं तो बहुत प्राउड मोमेंट था, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे लिए ऐसा था कि यार चलो ही इज गेटिंग सेटल्ड एट सम पॉइंट जहां पर हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, तो वी वर वेरी हैप्पी फॉर दैट, मतलब कभी भी मन में ऐसी बात कभी आई नहीं। जो अकबर शो किया है इसका कैसे हुआ? पहला तो वही शो है ना? पहला तो हाँ, पहला तो अकबर भी नहीं है, पहला इससे पहले भी एक कुछ किया था मैंने। मैंने सुना था कुछ तो तू बंदर बंदर बना था। गरीब बना था मैं उसमें। क्या गरीब बना था? मॉम बना था। गरीब बच्चा बना था। ये अपना मेरा ऐसा था यार 12th तक तो अपना कोई भी ऐसा था ही नहीं अंदर कि एक्टर बनना है या इस फील्ड में भी आना है। मेरा तो ऐसा था कि मैं पढ़ लिख के कुछ नौकरी बिक्री करूंगा यार, वैसा कुछ था मेरा। पर फिर जब मेरा 12th खत्म हुआ और तब सिद्धार्थ का अशोका चल रहा था उस टाइम पे, और फिर मम्मी का ऐसा हुआ कि अब तू इलाहाबाद में अकेले क्या कर रहे हैं? अब उनका भी मन नहीं लगता था क्योंकि हमेशा से क्या था हम तीन साथ में ही रहे, तो मम्मी ने मुझे भी बोला कि अब तू यहीं आ जा। तो फिर मैं 12th के बाद वहाँ चला गया, अपना मुंबई आ गया, और फिर मैं अपना पढ़ाई की तैयारी कर रहा था कि कहीं किसी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम दे के मैं पास वास हो जाऊँ तो मेरा एडमिशन हो जाए।
तो फिर मैंने लॉ के कई एग्जाम्स दिए मैंने क्या कहते हैं अपना जो NLU होता है क्लैट होता है ये सारे एग्जाम्स मैंने दिए और फिर माय लक मेरा किसी में नहीं हुआ फिर मैंने कहा यार पढ़ना तो ज़रूरी है क्योंकि अब मैं अकेले सेट पे मैं भी खाली पीली घूमता रहता था मेरे को कुछ मतलब तो था नहीं तो मैंने कहा मैं कुछ कर ही लूँ पढ़ लूँ कम से कम कॉलेज वॉलेज तो करूँ मैं तो फिर मेरा एडमिशन हुआ न्यूलॉ कॉलेज में वहाँ पे मैं अपना लॉ वॉ की पढ़ाई शुरू कर दी मैंने फिर पुणे शिफ्ट हो गया हाँ मैं फिर पुणे 2015 में मैं पुणे शिफ्ट हो गया मैं मस्त करजत से पुणे जाता था मैं 6 महीने वहीं रहता था 2 महीने की छुट्टी होती थी तो वापस सेट आ जाता था तो ऐसा सीन था फिर वो करता था फिर जब छुट्टियों में मैं वापस सेट पे आता था तो ऐसे होता था बैठे रहे देख रहे हैं शूटिंग चल रही है और मतलब सिद्धार्थ यूज टू शूट तो फिर अभी सिद्धार्थ के साथ ही वो होता ना कि रिहर्स भी करते थे तो स्क्रिप्ट आती थी तो हम दोनों मैं पढ़ भी देता था मैं वो पढ़ता था मैं पढ़ता था फिर अब अगेन इट वॉज इनसाइड मी पहले से क्या था क्या नहीं था कि मुझे ना जैसे स्क्रिप्ट आती है ना तो मुझे समझ में आ जाता है कि यार व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हाट कैन बी डन क्योंकि हम लोग ने क्या बचपन से इतना टीवी देखा हुआ है मतलब इतना सब कुछ देखा हुआ है मतलब पूरा बचपन क्या होता था सोफे पे बैठ के टीवी देखते होते थे मतलब स्कूल से आने के बाद तो अब पढ़ने के बाद ना कहीं ना वो सारी रिलेट करती थी चीज़ें समझ में आती थी तो अब आई यूज़ टू एक्सप्लेन हिम वो भी करता था वैसा फिर ऐसे हमारी ट्यूनिंग चलती रहती थी और फिर कुछ लोगों ने मेरे को भी सेट पे देखा होगा कि यार तुम भी तो अच्छे दिखते हो तुम भी क्यों नहीं करते हो कुछ ऐसा मतलब मैं कहता था मेरे से नहीं होगा मुझे तो नहीं आता फिर ऐसे लोगों ने मुझे बहुत बोला कि यू शुड डू 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 फिर ऑटोमेटिकली पता नहीं कहाँ से ना ऐसी मेरे लिए भी कॉल्स आने लग गई क्योंकि मैं इंस्टाग्राम भी चलाता था उस टाइम पे बढ़िया तो मुझे भी कॉल आने लग गई कि अभिषेक के लिए ऑडिशन है मैंने कहा यार मेरे लिए कैसे आ रहा है मतलब तो मम्मी ने बोला जाओ मेरी मम्मी तो ऐसी है कुछ भी आता है तो शी ऑलवेज फोर्स यू टू गो मतलब ऐसा नहीं कि करके तो देखो हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो नहीं हुआ यू शुड ट्राई ऑलवेज तो फिर मम्मी ने मुझे भेज दिया मैं भी गया ऐसा ऑडिशन दिया कि उन लोगों ने सेलेक्ट ही नहीं किया सेलेक्ट हो गया मैं पहले ऑडिशन नहीं नहीं फिर मस्त फिर मेरे को एक बार दिया तो फिर थोड़ा सा लगा यार ये तो बड़ी कठिन चीज है मतलब ऑडिशन तो फिर ऐसे अपना भी टहलना शुरू हो गया जब छुट्टियां होती थी तो मम्मी कहती थी घर में पढ़ा मत रहे तू जा और ऑडिशन दे तो फिर मैं भी जाता था मस्त आराम नगर बरसोवा जितना है उधर पूरा सीन नहीं होता ऑडिशन वाला तो अपन भी एक झोला टांग देते करजत से ट्रेन पकड़ते थे यहाँ पे उतरते थे और पूरा दिन जो भी है 3-4 ऑडिशन जो जानते थे वो जाके ऑडिशन देते थे तो मैं कहता मतलब जो भी मैं खुला हूँ कैमरे के आगे मतलब ऑनेस्टली मैं इतना तो कभी कैमरे के आगे भूल ही नहीं सकता जितना मैं अभी बोल रहा हूँ Honestly, मेरी फोटो भी क्लिक करते होगे तो उस टाइम पे तो मैं ऐसा हो जाता था ऐसा रहता था मतलब आई वाज सो कॉन्शियस और मेरी बोल मेरी जो भाषा थी वो भी बिकॉज आई वाज देयर ना तो मेरी वैसे ही थी कि मेरी जो इंग्लिश थी या मेरी जो टोन थी बोलने की ऐसे ही देखिए अरे यार हम बोल रहे हैं यार हमसे ऐसे मत बोलो तुम यार अबे तुम चुप करो यार ऐसे निकलती थी मेरी भाषा तो मैंने कहा यार ये भी बड़ी गलत बात है थोड़ा मतलब अब जैसे लोग जैसा देश वैसा भेष वाली बात है तो फिर वो पुणे में मेरी काफी वो हुई मतलब पॉलिशिंग हुई फिर यही सब करते करते यार ऑडिशन देते 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 कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि एक जगह चुक्का फिट हो गया तो जिधर मैंने ऑडिशन दिए उधर से कहीं नहीं आया एक दिन मैं ऐसी किसी रैंडम शो का ऑडिशन देने गया हुआ था तो वहाँ पे मुझे एक बंदे ने बोला कि ब्रो वहाँ पे ना एक ऑडिशन चल रहा है तो तुम चले जाओ और देख लो दे दो वो बहुत ही रैंडम बंदा था वो यार मेरे को याद भी नहीं है तो मैंने कहाँ है भाई तो उसने ऑफिस का नाम बताया मैं गया वॉक इन था मैंने कहा ऐसे यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है क्या कुछ ऐसा तो बोला हाँ हाँ अरे आ जाओ कर लो फट से स्क्रिप्ट दी मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी इतनी बड़ी स्क्रिप्ट थी बस स्क्रिप्ट पढ़ी ऑडिशन दिया और मैं आ गया क्योंकि अभी यहाँ पे कैसा होता ना दिस इंडस्ट्री यू गिव ऑडिशंस बट दे डोंट कॉल यू बैक कि तुम्हारा नहीं हुआ है हुआ है तो कॉल करेंगे लेकिन अगर नहीं हुआ है तो कभी नहीं कॉल करेंगे तुम्हें तो हम भी उम्मीद से तो बैठे रहते हैं कि कभी कॉल आ गई हमारे पास तो हम भी कर लेंगे तो फिर ऐसे ही था मैं अपना आराम से पुणे में भाई पढ़ाई लिखाई कर रहा था एक दिन रैंडम कॉल आ गई कि यार आ जाओ तुम्हारा ना एक शो में हो गया है और फटाफट आ जाओ कहाँ हो मैंने बोला भाई मैं तो पुणे में हूँ कहता अरे पुणे में हूँ वहाँ से आने में टाइम लगेगा तो मैंने बोला हाँ टाइम तो लगेगा पर मैं आ जाऊँगा तुम रुको तो फिर मैं भाई पुणे से फटाफट मैंने उठाई अपनी तब तक गाड़ी आ गई थी भाई तो फटाफट मैंने गाड़ी नहीं हाँ ट्रेन ही उठाई सॉरी गाड़ी तो मेरे पास हाँ तो मैंने ट्रेन पकड़ी वहाँ से फट से आ गया मैं इधर
और मैं घुस गया ऑफिस तो मैं बोला क्या है क्या है क्या हो गया, बोले फटाफट मॉक शूट तो मैंने कहा हाँ मॉक शूट भाई उन्होंने मुझे कपड़े वपड़े पहनाए, मैंने फटाफट मॉक शूट दिया, एक काम करो तुम मीरा रोड चले जाओ वहाँ पे मॉक शूट कर दो सेट पे। मैं कहा ठीक है भाई। मैं सोचो सुबह से निकला हूँ ऑफिस गया हूँ, ऑफिस पे दीवार में ऐसी मेरा मॉक शूट हुआ है ऑडिशन टाइप का, सेट आया हूँ, अब मैं सेट पे बैठा हुआ हूँ, मेरा नंबर आएगा। जैसे ही नंबर आया मैं अंदर गया, मैं शूट करने लगा, तो मेरा ओपनिंग शॉट ले लिया, मुझे मालूम नहीं है कि मेरा हो गया है कि नहीं हुआ है क्या है, मैं अपना शॉट भी दे रहा हूँ, हंसो बेटा हंस भी रहा हूँ, रो बेटा रो भी रहा हूँ, और डायलॉग बोल दो बोल दिया, ओके कट पैकअप। अब मैं कन्फ्यूजन में, मैंने कहा यार पैकअप बोल दिया है कुछ तो बताओ, मैं हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, यहाँ से अब मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ। तो फिर अगले दिन फिर मेरे पास मोबाइल में मैसेज आता है योर कॉल टाइम टुमारो 7:30 है। मैं ना कॉल टाइम दे रहा हूँ, बताओ तो मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कहते भाई आपका ओपनिंग शॉट शूट हो गया, अभी तक आपको कंफर्मेशन नहीं कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने कहा अच्छा तो बजट तो कुछ बताओगे कि नहीं बताओगे। तो फिर ऐसी मतलब उसमें मेरा ऐसे हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने अकबर मेरा सबसे पहले मैंने बिग मैजिक के लिए शो किया। तो अभिषेक भाई इसमें जब आप ऑडिशंस देने जाते थे उस बीच सिद्धार्थ फेमस हो चुका था, धूम आ चुकी थी और अपना ये एक दो शो आ चुके थे, एड फिल्म थी, तो उसका कभी आपने बताया कि मैं सिद्धार्थ का भाई हूँ या फिर लोग जानते ना, लोग जानते तो थे ऑब्वियसली, भाई जानते तो थे पर पहचानते नहीं थे, नाम से नहीं पहचानते। हाँ, भाई फेस तो बहुत मतलब ऐसे कई कई जगह पे ऐसे मैं जाता था ना तो ऑडिशन लेते वक्त ना ऐसे लगता तो है उसके कहीं तो देखा है। मैं कहता था कहीं नहीं देखा है, फालतू में प्रेशर बना देते ना फिर कि वो एक्टिंग करता तो तुम भी एक्टिंग कैसी करोगे। तो मैं पहले से था नहीं कहीं नहीं देखा है, एकदम नया हूं सर क्या बात कर रहे हो। तो सब मैं तो आप जानते हो मैं बहुत बकैदी करता हूं सब चीजों में। बट हां यार कभी कभी देखो क्या होता है कि मैं अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो एडवांटेज ये होता था कि कहीं कहीं पे लोग मुझे थोड़ा सीरियसली भी लेते थे। अच्छा बिकॉज अब क्या हो रहा था कि अब सर्किल बनने लगता है यार आपका, नाउ यू आर सिटिंग ऑन सेट तो स्टार्ट टू नो क्रिएटिव डायरेक्टर, यू स्टार्ट टू नो द कास्टिंग डायरेक्टर, स्टार्ट टू नो द डायरेक्टर, स्टार्ट टू नो अदर पीपल जिनके कुछ लिंक्स हैं कुछ है तो वो हमें बता देते हैं कि यार देखो वहाँ पे एक अभिषेक है उसको भी ट्राई कर लो, हिज ब्रदर इज डूइंग दिस शो यू ट्राई हिम ऑल्सो। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं एडवांटेज भी मिला है। पर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो भाई मैं आज तक किसी भी ऑडिशन के थ्रू सेलेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ एक ऑडिशन के में मैं सेलेक्ट हुआ हूँ वो है पानीपत का। पानीपत इज आई गॉटन थ्रू ऑडिशन, अदरवाइज मैं आज तक कोई भी शो मेरे को ऑडिशन से नहीं मिला, मतलब किसी और ऑडिशन की वजह से कोई और शो मिला है। सीएन का कैसा मिला? सीएन का तो भाई ऐसा था कि आई बिलीव मुझे अच्छे से याद नहीं है पर सीएन का चंदनंदनी का ऐसा था कि सिद्धार्थ तो गॉट इन टू द रोल बट देन लेटर ऑन दे वॉन्टेड द अदर ब्रदर ऑल्सो हु इज अपोजिट टू हिम, कि उन दोनों का बैंटर था तो उधर किसी ने बोल दिया कि दोनों भाई हैं वो भी एक्टिंग करता है। मैं सेट पे रहता था उसके साथ आता था तो मेरा ऐसा बड़ा कुछ खासा मन नहीं था वो करने का, बट दिन बाद एंट्री हुई थी। हाँ तो बट वो इट्स लाइक मतलब कर लो तो कर लो, शूटिंग करते थे तो ये सिद्धार्थ के साथ आता था तो बताते थे सिद्धार्थ का भाई है। हाँ वो मेरा मन नहीं था क्योंकि उस टाइम मेरा कॉलेज बहुत बढ़िया चल रहा था तो उस वजह से देन आ गया तो मैंने कर लिया, मना नहीं कर सकते यार कभी कभी कुछ चीजों को। बढ़िया मतलब ये तेरा जोधा अकबर जो तूने किया उसके बाद सीएन था अकबर के बाद हाँ मतलब मैं टाइमलाइन भूल गया, अकबर के बाद मैंने एक और भी शो किया था मेरे साईं। हाँ तूने कुछ दिन के लिए दो दिन का दो एपिसोड किए थे। हाँ उसके बाद क्या हुआ, पानीपत कैसे मिली? यार पानीपत अपना चंदनंदनी खत्म हुआ तो दो साल तक तो फिर मैंने काम ही नहीं किया, फिर मेरा पूरा कंसंट्रेशन मेरी पढ़ाई की तरफ चला गया क्योंकि थर्ड ईयर आ गया था और बहुत टफ हो गया था थोड़ा सिलेबस भी, सो मेरा पूरा ध्यान वहीं चला गया और फिर कोई अपॉर्चुनिटी भी ऐसी अच्छी आ नहीं रही थी जिसे मैं लूँ, बिकॉज क्या हो जाता ना यार कि बिकॉज आई हैव टू मेंटेन अ सर्टेन बैलेंस इन लाइफ, अब आई कैन नॉट डू एनीथिंग, समझ रहे हो कि शौकिया कुछ भी कर रहे हैं, सो आई हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस, सो मैं आई वॉज नॉट टेकिंग मेनी थिंग्स एट दैट टाइम। फिर सडनली एक दिन अगेन इत्तेफाकन मुझे रोहन भाई का कॉल आया जिन्होंने पानीपत की कास्टिंग की थी, तो ही कॉल्ड मी अप एंड सेड कि यार एक फटाफट ऑडिशन भेज दे। सेम स्टोरी, मैंने वो फटाक से ऑडिशन भेजा एंड देन नेक्स्ट मिनट ही कॉल्ड मी एंड ही सेड दैट आई एम सेटिंग अप अ मीटिंग ऑफ यू एंड आशुतोष सर। ओके तो मेरे को तो यकीन ही नहीं हुआ, मैंने कहा आशुतोष गोवारिकर यू टॉकिंग अबाउट, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा लगान, बोला हाँ, मैंने कहा यार दैट इज अ वेरी बिग थिंग, मैंने कहा पिक्चर में होना हो मीटिंग हिम इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। सो अगेन आई केम बैक फ्रॉम पुणे और उन्होंने हमें बुलाया
एंड देन ही कॉल्ड मी एंड सिद्धार्थ बोथ बट फिर हमारी मीटिंग हुई एंड देन ही सेड कि यार लाइक हम मतलब उन्होंने मुझे देखते ही बोल दिया कि आई थिंक आई एम मोर इनटू अभिषेक फॉर दिस रोल एंड दैट टाइम सिद्धार्थ वाज ऑलरेडी बिजी विद अलादीन एंड एवरीथिंग एंड देन ही ऑडिशनड मी द सेम डे पहले तो हम दोनों भाइयों से उन्होंने बात बात की एंड देन नेक्स्ट डे उन्होंने हमें बुलाया एंड देन ही ऑडिशनड मी He said ki I want to cast Abhishek for this. Okay. So he called me up and फिर I went to the audition. He gave me a script और उन्होंने मुझे मतलब legit एक script दी और उन्होंने मुझे पूरा समझाया कि you go here, you come from here and then you sit there and ऐसा पूरा उन्होंने मुझे बताया पूरी उन्होंने बातें बताई and I prepared the audition there then and there only and I gave it और फिर उन्हें पसंद आ गया वो ऑडिशन और फटाफट नेक्स्ट डे आई वाज इन द रीडिंग्स एंड एवरीथिंग एंड देन पानीपत स्टार्ट हो गई मूवी चंद्रधरनी के बाद दो साल का गैप आप दोबारा पुणे पढ़ाई कॉलेज ठीक है बस आपने एक हिट शो दिया चंद्रधरनी कॉलेज गए वहां पे इस चीज की अटेंशन मिली आपको कि यार अब इसको हमने चंद्रधरनी में देखा था एक इतना अच्छा शो कर क्या है इस चीज का आपको फायदा मिला मतलब लड़के वड़किया लव लाइफ कुछ नहीं स्टार्ट हुई मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कैसा है कि कॉलेज में मुझे मेरे शो को लेके शोज को लेके अटेंशन कभी नहीं मिली अच्छा अपना अलग एटीट्यूड है भाई अपनी अलग एक बात है मैं सॉरी अच्छा मैं ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ ये नहीं है मैं मजाक कर रहा हूँ बेसिकली देखो जब हमने शो किया ना तो शो से पहले ही मैं कॉलेज में था तो माय कॉलेज यूज्ड टू सी इट एज एन अचीवमेंट कि यार हमारे स्कूल का हमारे कॉलेज का बच्चा इज डूइंग सो गुड सो दे ऑलवेज आई वुड से सपोर्टेड मी थ्रू दैट बट जब कॉलेज की बात आती है आई वाज अ रेगुलर स्टूडेंट एंड मेरी पांच साल की जो लॉ थी मतलब बीबीएल एलबी आई हैव डन तो उसमें आई टू अटेंड द कॉलेज एंड हमारे कॉलेज में अटेंडेंस वगैरह बहुत कंपलसरी थी तो कहीं ना कहीं मतलब मेरे एक साथ ऐसा होता था कि शूटिंग और एग्जाम्स मेरे साथ में आ जाते क्लैश हो जाते थे बहुत होता था तो चंद्रनंदनी के टाइम पे भी मेरे एग्जाम्स तो मैं शूट करता था पुणे जाता पुणे जाता था एग्जाम्स देता था एग्जाम्स देके वापस आता था फिर शूट करता था इफ यू रिमेम्बर कितनी बार हुआ है चंद्रनंदनी के टाइम पे ही कि मैं अपनी गाड़ी लेके आता था सीधा सेट पे शूट किया ज्यादा सीन्स होते नहीं थे शूट किया पैकअप हुआ शाम को शूट करके वापस पुणे पुणे गए सुबह पढ़ाई की हमारे एग्जाम्स जो है एक बजे से होते थे एक से पांच तो जो ऊपर का टाइम मिला उसमें ट्रैवल और पढ़ाई करी फिर एग्जाम्स दिए उसी दिन अगले एग्जाम्स की तैयारी की और नेक्स्ट डे फिर मुंबई वापस तो ऐसा मैंने बहुत किया तो मेरा ये संभल गया और रही बात अब अटेंशन की तो अटेंशन ऐसे था कि जब हम कॉलेज गए फर्स्ट ईयर में तो यू नो मैं 12th से सीधा पुणे गया तो आई वाज लाइक दैट गाय मतलब मेरे बहुत ही लंबे लंबे बाल नो सेंस ऑफ फैशन नथिंग मतलब ऑनेस्टली मैं ऐसे एक मेरे पास सैंडल हुआ करती थी बाटा की वही ब्राउन सैंडल ब्लू जीन्स पिंक टी शर्ट अभी भी मेरे पास फोटो पड़ी हुई है आई यूज टू गो वॉकिंग टू माई कॉलेज फिर जब मैं कॉलेज गया तो मैंने वहाँ पे एक अलग एटमोसफियर देखा मैंने देखा कि यार यहाँ पे इस तरह के लोग आते हैं इस तरह के लड़के आते हैं ये यहाँ पे चार्म होता है ये यहाँ पे शरारे होते हैं लोगों के तो फिर धीमे धीमे हमने वो चीज सीखी कि यू नो हाउ टू स्पीक टू समवन हाउ टू टॉक टू समवन एंड यू नो सेल्फ ग्रूमिंग एक होती है वो धीमे धीमे शुरू हुई फिर हमारे अच्छे अच्छे दोस्त बने तो क्या होता है जिंदगी में दोस्त बहुत कुछ सिखाते हैं आई थिंक दे आर द बिगेस्ट टीचर ऑफ योर लाइफ एंड आई से दिस आउट लाउड ऑलवेज की मोर देन योर लाइफ आई वुड से कि जो चीजें होती हैं उनसे ज्यादा आपको आपके दोस्त बहुत चीजें सिखाते हैं कि किस मुसीबत से कैसे निकलना है किस चीज को कैसे हैंडल करना है या कोई अगर आप किसी लड़की से भी बात करो तो आपको दोस्ती सिखाते हैं कि तुझे कैसे बात करनी चाहिए तो ये सारी चीजें होती है तो मैंने गौतम को बहुत सिखाया है तो ये अपन अब फिर मेरे दोस्त बने और हम लोग इस तरह से फिर हमने कॉलेज में प्ले वगैरह किए तो वहां से भी यू नो फिर धीमे धीमे अपन ऐसे ही फेमस हो गए वहां पे तो शोज तो खैर कहते ना ब्राउनी पॉइंट थे वो तो नहीं वो बात तो ठीक है पर बात इसकी और भी थी कि गर्लफ्रेंड का क्या सीन था उस टाइम यार गर्लफ्रेंड का मैं बता नहीं सकता ऐसा सीन था भाई कि मैं मतलब पूरे कॉलेज के टाइम पे इतना बिजी रहता था सिंगल रहने में कभी गर्लफ्रेंड भी बनी नहीं पाई और यू कैन नॉट से आई डोंट आई नेवर हैड अ गर्लफ्रेंड इन कॉलेज अच्छा तो कब बनी पहली स्मार्ट लोग समझ गए पहली गर्लफ्रेंड तो मैंने मम्मी को दिखाओगे ये शो सभी देखेंगे यूट्यूब पे कोई रोक अच्छा ऐसा तो है तो फिर ये देखो मैं सच्ची बताऊं तो अपनी लाइफ में मैं ना बहुत ही संभल के रहा हूँ अच्छा तो मेरी ये दोस्त बहुत रहे हैं अच्छा पर गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा कोई नहीं रहा है फिलहाल अच्छा और अभी अभी भी
कोई नहीं जानती, कोई नहीं। स्मार्ट जवाब है ना। इसने बहुत प्लानिंग की थी, बहुत सोचा था। झूठ ना बोले यार ऐसे, ठीक है झूठ बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मतलब गर्लफ्रेंड कोई नहीं रही, ऐसे रही है फ्रेंड विद बेनिफिट टाइप। फ्रेंड विद बेनिफिट वाला कंसेप्ट यार मेरे को समझ में नहीं आता ऑनेस्टली। तो क्या बिकॉज आज की तरह मैं ऑनेस्टली बताऊँ, हम ऐसा सोचते हैं, ये सब हमारी फैंटेसी बातें होती है इंसानों की, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, वन नाइट स्टैंड, है ना, हुकअप, फ्लिंग एंड ऑल दैट। ये सब भाई मैंने रियलिटी चेक मेरे साथ हुआ है, मैंने कभी सब एक्सपीरियंस नहीं किया भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये तेरे को, तुझे भी मालूम है, दिस इज नथिंग लाइक इट। नहीं सच होता यार, कभी गर्लफ्रेंड रही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा यार। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, गर्लफ्रेंड मेरी बनी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, दैट्स माय मॉम। सो व्हाट टाइम आई हैव अदर देन मायसेल्फ गोज टू माय मॉम। अच्छा, अब या तो कोई ऐसी बंदी बने जो समझ जाए कि हाँ भाई मैं अब इसकी दूसरी गर्लफ्रेंड होने वाली हूँ, क्योंकि भाई अभी मैं फुकेट घूम के आया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, मम्मी के साथ गया हूँ। तो भाई अचानक छोटे सेट से एकदम मूवी का सेट बड़ा, क्या एक्सपीरियंस रहा वो? एक्सपीरियंस देखो डिफरेंट होता है, मैं सच्ची बताऊँ तो सेट और पैटर्न से मतलब नहीं होता, लोगों से मतलब होता है, और आप किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उससे मतलब होता है। आजकल ना ये बहुत चलता है कि वेब वाला है, ओटीटी वाला है, सीरियल वाला है, फिल्म वाला है, इन्फ्लुएंसर है, क्रिएटर है। यार मेरे साथ कई बार ऐसा होता है यार कि दे वुड नॉट टेक मी इन अ वेब फिल्म और वेब शो सेइंग कि ये तो टीवी वाला आर्टिस्ट है। सिंपल बोल देते हैं ये टीवी वाला आर्टिस्ट है, इसको वेब में नहीं लेंगे। उनके दिमाग में स्टीरियोटाइप पहले से मेंटेन्ड है कि ये टीवी करता है, इसको वेब की एक्टिंग नहीं आती। Without even trying, bro, I'm telling you this. Without even trying, they would say. And this is the biggest problem that is being faced by lots of artists. उनको ऐसा लगता है यार मैंने टीवी कर लिया है, अब मुझे चार पांच साल ना दिखना नहीं है कि मैंने टीवी, मैं तो बताऊंगा भी नहीं कि मैंने टीवी किया हुआ है, नहीं तो मुझे वेब में नहीं लेंगे। ये बहुत ही फैक्ट है। और फिल्म वाले भी ये सोचते हैं कभी कभी कि टीवी का आर्टिस्ट है। अरे तुम तो मतलब यहाँ पे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो कि तुम आर्टिस्ट को चांस तो दो। Point. तो मैं कैसे पता कि फिल्म वाला एक्टर या टेलीविजन वाला एक्टर की एक्टिंग में, हाउ यू डिफरेंशिएट? यू गिव हिम अ चांस यार, यू गिव हिम अ वर्कशॉप, यू टीच हिम, ही विल लर्न इट। तो मेरे लिए यार मैं बड़ी फिल्म कर रहा था, मैं टीवी कर रहा था, इट्स नथिंग। मेरे लिए था कि यार मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे मैं जब टीवी करता हूँ मुझे टीवी में डायरेक्टर आके बताता है यार अभिषेक ये डायलॉग ऐसे ले लो अच्छा लगेगा। तो मैं पानीपत कर रहा था, मुझे आशीष सर ने भी आके सेम चीज बताई, अभिषेक ये तुम अगर ऐसे करोगे तो अच्छा लगेगा। एज एन एक्टर इट्स माई ड्यूटी की यार मैं वहां पे उनको खुश करूँ, यहाँ पे इनको खुश करूँ। मैंने वो किया, फिल्म देखी बड़े पर्दे पे थी, मजा आया। टीवी देखता हूँ, रोज देखता हूँ, वहां पे अपनी एक्टिंग रोज देखता हूँ, वहां पे भी मजा आता है। तो इट वॉज दैट फॉर मी, इट्स नथिंग कि यार आई एम अ टीवी आर्टिस्ट, आई कैन नॉट टॉक, आई एम अ फिल्म आर्टिस्ट, आई कैन नॉट टॉक, नथिंग। तो टीवी करना है आगे या मूवी? अगेन यार टीवी करना है, मूवी देखो जहाँ पे एक करियर पाथ सेट होता जाए, मूवी मिलेगी मूवी भी कर लेंगे, और अगर टीवी मिल रहा है तो टीवी में, अब देखो इट्स अगेन अबाउट माय कैरेक्टर चॉइस। अभी भी मुझे टीवी मिल रहा है, बट देन अगेन इफ आई एम नॉट हैप्पी विद द कैरेक्टर ऑफ इट, आई कैन नॉट डू इट। सेम गोज विद मूवी, इफ आई गेट अ गुड चांस इन मूवीज आई विल डू दैट, इफ आई गेट गुड अपॉर्चुनिटी इन टीवी आई विल डू दैट टू। सो आई एम ओपन टू एवरीथिंग यार, इट्स फॉर मी। ओटीटी का ऑप्शन मिलता है, ओटीटी बिल्कुल ट्रेंड में है। हां ओटीटी, अब ओटीटी में भी ऐसा है कि यार इफ आई गेट समथिंग गुड जो मैं अपनी ऑडियंस को दिखा सकूं, जो मैं अपने लोगों के साथ बांट सकूं, मतलब कुछ ऐसा करो जो तुम दिखा सको, तो मैं ओटीटी भी कर लूंगा। तो ऐसा है, देयर इज नो बाउंड्री टू मी। तो हीरो का कैसा हुआ, ऑडिशन दिया या ऐसे ही डायरेक्ट? हीरो ऐसा था कि मैंने ऑडिशन दिया था हीरो का ड्यूरिंग लॉकडाउन। मेरे पास लॉकडाउन जब चल रहा था, आई मीन खत्म होने वाले के स्टेज पे था, तब मेरे पास कॉल आई थी। तो मैंने हीरो का ऑडिशन भेजा था घर से ही शूट वूट करके, और अगेन मुझे कोई कॉल नहीं आई थी वहां से कि तुम्हारा हुआ है कि नहीं हुआ है, और बस खत्म हो गई थी बात। फिर मुझे पता चला कि यार हीरो जैसा कोई शो बन रहा था जिसका मैं, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं हीरो को ऑडिशन दे रहा हूँ। अच्छा, मैंने बस ऑडिशन, उन्होंने बोला अभिषेक एक शो है, दे डिडंट टेल मी हीरो नाम है या क्या नाम है। तो मैंने ऑडिशन दिया और उन्होंने बस कैरेक्टर ब्रीफ दिया फोन पे, और मैंने वो ऑडिशन बना के भेज दिया। अब कुछ टाइम तक कुछ भी नहीं आ रहा, एंड देन द शो स्टार्टेड, इन शो का प्रोमो आ गया कि हीरो एक शो आ रहा है। तो मैंने देखा, मैंने कहा ऐसी कुछ कैरेक्टर का मैंने ऑडिशन दिया था वो जाता तो मजा आता, क्योंकि वैसा कुछ मैं करना चाहता हूँ, बिकॉज दैट वाज समथिंग एक्सपेरिमेंटल फॉर मी। तो मैंने ऐसे बोला, मैं काश मौका मिलता ऐसा कुछ करने का, भगवान तो करते हम भी। अब प्रोमो ऑलरेडी टेलीकास्ट हो रहा था, उसका टीजर चल रहा था, इन्विजिबल वाला एक टीजर चल रहा था टीवी पे, तभी मेरे को कॉल आई प्रोडक्शन से सेइंग कि यार एक शो आ रहा है, उसका आपको फिर से ऑडिशन देना है।
तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो भाई, अच्छा अब इस टाइम तक मैं ऐसे मुकाम में आ गया था कि मैंने कहा मुझसे ऑडिशन नहीं होंगे, सिलेक्टिव हो चुके हैं। मैंने कहा नहीं सिलेक्टिव नहीं, अच्छा गिव अप था कि आई डोंट वांट टू गिव एनी मोर ऑडिशन। मैंने कहा जिसको लेना है वो ऐसे आज तक ऑडिशन से मुझे लिया नहीं है, मैं ऑडिशन देता हूँ वो फालतू की जजमेंट्स और पास कर देते हैं, तो आपको अगर लेना होगा तो फिर मेरे को बोलोगे, बताओ, समझाओ, बैठाओ, कैरेक्टर समझाओ, फिर हम देंगे, रैंडम ऑडिशन में क्या भेजू। मैंने कहा मुझे नहीं देना सर, अब आई एम डन, मैं नहीं भेजूंगा ऑडिशन। तो फिर मुझे फोन आया कि अरे भेज दे, पागल हो गया क्या, क्यों नहीं भेज रहा है। मैं कहा मैं ऐसे नहीं भेजूंगा, मुझे पहले बताओ क्या चीजें हैं, मैं अच्छे से भेजूंगा। तो मुझे प्रोड्यूसर का फोन आया। सो जो प्रोड्यूसर है एलन सर, वो मेरे मतलब मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मेरी उनकी जर्नी बहुत पुरानी है, बिकॉज जब मैंने 2015 में ऑडिशन देना शुरू किया था, कृष्णा करके एक शो बनना था उसके लिए, तब वो वहाँ पे ही वॉज अ क्रिएटिव एंड देन क्रिएटिव प्रोड्यूसर एंड देन नाउ ही ओन्स द ओन प्रोडक्शन हाउस, तो ही नोज मी सिंस देन। सो ही इज ऑलवेज वॉन्टेड केयर, आई वॉन्ट टू वर्क विद अभिषेक वंस एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू वर्क विद हिम वंस। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा कर ले, उन्होंने मुझे शो का नाम नहीं बताया कि हीरो है, उन्होंने बोला एक कुछ तो एक रैंडम उन्होंने टेंटेटिव एक शो का नाम बताया और कैरेक्टर ब्रीफ दिया, उन्होंने जस्ट सेंड मी दिस वन ना अभिषेक, उन्होंने बोल दिया तो आई कैन नॉट से नो। मैंने बनाया, मैंने भेज दिया, फिर मुझे ऑफिस बुलाए, फिर मेरे एक ऑडिशन लिया उन्होंने, फिर फुल ऑन कैरेक्टर को समझा के कि यार एक थोड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, एक थोड़ा ग्रे कैरेक्टर होगा, ये वाला थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट लड़का है, ये वाला एकदम फुल ऑन फाड़को की लड़का है। अब मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं, मैं कहा करते हैं, मैंने बहुत किया। फिर मैं सेट गया नयागांव जहाँ पे हमने चंद्रनंदिनी की शूट की थी, तो वहाँ पे उन्होंने मेरा सेट पे बुलाया, वहाँ पे सेट पे मेरे साथ कम से कम तो उन्होंने 6 घंटे ऑडिशन किया। अच्छा हाँ, मतलब मेरी खटिया खड़ी कर दी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, दोनों प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, क्रिएटिव्स, माय मॉम, एडी, डीओपी सब बैठे हुए हैं, और मैं बस एक सीन को कम से कम मैंने 8-9 बार किया। अच्छा। अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग चीजें, अभी तक मुझे शो का नाम नहीं पता। मैं सिर्फ अंधा दिए जा रहा हूँ। फिर मेरे को आके बोला अच्छा था, अच्छा देखते हैं, बताते हैं, दे लेफ्ट। मैं यार 3 दिन से लगातार ऑडिशन दे रहा हूँ, आज यहाँ पे मेरी एकदम से खटिया खड़ी हो गई, अभी भी बताते हैं। फिर अगले दिन फोन आया, ऑफिस आ गया। मैंने कहा देखिए अब मेरे को अगर आपने शो का नाम नहीं बताया ना तो मैं मुझे शो का नाम बताओ। तब उन्होंने बताया कि दिस इज फॉर हीरो। अच्छा। फिर मेरे अंदर की जो शिद्दत होती है ना और बढ़ गई। मैंने कहा यार अभी हीरो है तो मतलब चाहिए था। मैंने कहा भगवान से मांगो और उस चीज की अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ गई। और मैंने ऑनेस्टली मैं सिद्धार्थ बैठे हुए थे ऐसे, तो यार आशु ने मुझे बोला दादा आपको ये शो आपको मिलना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ मिलना तो चाहिए, पर देखो भगवान के हाथ में क्या है। एंड देन I got that show. Okay. So I got hero and I got to know that I got hero. फिर उसकी भाई जो पूरा प्रोसेस होता है, फिर अपन किए वो शो। So I just want to say कि hero has been my most favorite show. The reward for everything that I've done in past. And it's always gonna stay in my heart. मतलब दिल में जो एक शो बस जाता है ना, तो मेरे लिए हीरो वो है, बिकॉज बहुत कुछ चीज़ें मैंने उसमें सीखी, पॉलिशिंग हुई आगे, और तैयारी जो होती ना आगे की वो तैयारी हुई, और इतना प्यार मिला ना मुझे हीरो से, इतनी ज्यादा जो एक होती ना अफेक्शन मिली है मुझे हीरो से, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। कितने दिन चला शो हीरो? आई थिंक 1 ईयर। लॉकडाउन में भी चला एक शो। और मतलब अब वही होता ना यार कि अच्छी चीजों के ऊपर कितने कील मार लिए जाए, वही हो गया हमारे साथ। फिर लॉकडाउन वापस से लग गया एंड ड्यूरिंग दैट टाइम्स एनी शो was not, you know, it was not easy to survive a show like that, hero, because hero demands a lot of production, budget and action, everything, but that time pe possible during covid it was very Baroda jaake humne shoot ki thi, koshish bhi ki thi, but then it was very difficult. Aage kuch plan hai, abhi chal raha hai? Dekho aage ka plan aisa hai ki yaar I love to try very different things, very different fields and everything. Hum discuss bhi karte hain bahut sari cheeze, to I never want to limit myself as an actor. I would want to try multiple things, different things, because so many times people ask me this question ki has it been difficult for you to, you know, pursue your law and your acting career, because I've done masters, I've done LLM also. वो सब मैंने पढ़ाई करते हुए और शो करते हुए ही सब चीज़ें की हुई हैं, एंड इत्तेफाकन बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही एक हार्मनी सेट होती गई है। आप कर सकते हो और मुझे वही करने में मज़ा आता है। जैसे आज के टाइम पे अभी मेरा कॉलेज नहीं है, आई एम डन विद माई मास्टर्स, माई ग्रेजुएशन इज डन, आई एम डन विद द शो। सो अब मेरे अंदर ऐसा है कि अब मैं क्या करूँ? सो आई वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स, आई वॉन्ट ट्राई न्यू थिंग्स, आई वॉन्ट गेट इन टू डिफरेंट फील्ड ऑल टूगेदर, लाइक वॉन्ट एक्सप्लोर इट।
तो अभी बस वही सब चीजें चल रही हैं लाइफ में, एक्सप्लोरिंग, वॉचिंग, लर्निंग, एक्सपीरियंसिंग. सो सिद्धार्थ भाई आपको कभी सजेस्ट करते हैं कि यार तू ना भाई ये वाला शो मत करियो, इसमें मजा नहीं आएगा, ये कर ले, और आपने कुछ ऐसा किया उन्होंने मना किया हो आपने फिर भी किया? मतलब जो उसने मना कर दिया फिर मैं करता ही नहीं. ओके, यही चीज सेम सिद्धार्थ, और यही चीज सेम सिद्धार्थ को जाती है. वी बोथ, मतलब हम दोनों साथ में, हम दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े क्रिटिक हैं. मतलब देखो क्या होता ना, मुझे आके ना कोई बंदा कहता नहीं आपने काम बुरा किया है, या सिद्धार्थ को भी आगे कोई नहीं कहता कि आपने काम बुरा किया है, बट मैं जाके सिद्धार्थ को बोल देता हूँ. जिस चीज के लिए शायद सिद्धार्थ के लिए बहुत तालियां बज रही हूँ, उस टाइम पे मैं जाके सिद्धार्थ को कह सकता हूँ कि यार ये ऐसा हो सकता था क्या, या वो मुझे आगे कह सकता है कि यार ये ऐसा हो सकता है क्या, या जब वो कुछ बहुत अच्छा करता है जहाँ पे कोई ताली नहीं बजा रहा तो शायद मेरी ताली बज रही हो. तो वी आर लाइक ईच अदर्स क्रिटिक. तो मतलब अगर उसने बोल दिया मत करो दादा अच्छा नहीं है, इट्स नॉट सूटिंग यू, तो मैं नहीं करता. फिर उसके मेरे आगे कुछ रहता ही नहीं है इफ बट, या मैं उसे कह दिया आई डोंट थिंक तुझे ये करना चाहिए, डजंट सूट योर इमेज, तो ही विल नॉट डू इट देन. तो वैसे एकदम सॉर्टेड है. पार्टी पर्सन है या प्राइवेट पर्सन? मैं भाई क्या कहते हैं उसे, मैं पार्टी पर्सन भी हूँ, मैं प्राइवेट पर्सन भी हूँ. मोस्टली देखो मैं बताऊँ सच्ची, तो पार्टी वूटी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है. बहुत मतलब ऐसा है कि बहुत जाने लायक पार्टी है तो सारे लोग जान पहचान के तो चले गए, नहीं तो हम वेरी पर्सन साथ बैठो, दो यार बैठो, चाय पियो, बातें करो तीन तीन घंटे, वैसा वाला आदमी हूँ मैं. आपका डेली रूटीन कैसा, लाइफस्टाइल कैसा है? बहुत ही इजी लाइफस्टाइल है. आई मीन 11 बजे उठना. 11 बजे पागल, इतनी जल्दी कौन उठता है? तो आप भी सिद्धार्थ की तरह मतलब फिटनेस पे थोड़ा फोकस करते हो क्या? मेरे एप्स दिख रहे हैं यहाँ पे. नहीं यार देखो मेरा जो रूटीन है वो बदलता रहता है. मेरा सिचुएशन का रूटीन चलता है. इसको ना थोड़े दिन का चस्का चढ़ता है कि मेरे को बॉडी बनानी है, सीधा शेखर को फोन, शेखर भाई बॉडी बनानी है. अब क्या होता है देखो, आप ना एक लाइफ स्टाइल पे बैठ नहीं सकते हो. आपकी जिंदगी में जो सराउंडिंग होती है वो चेंज होती रहती है. कभी कभार आप एकदम ही वेले हो जिंदगी में कुछ नहीं करने को, उस टाइम पे आप एक ऐसी लाइफस्टाइल अपना सकते हो जहाँ पे आप खूब सो, खाओ और बॉडी बनाओ. फिर एक लाइफस्टाइल आती है जहाँ पे आपको टाइम ही नहीं होता, जहाँ पे ऐसा हो जाता है कि यार आपको सुबह उठ के 6 बजे सेट पे पहुंचना और सेट से आप 12 बजे आ रहे हो. उस टाइम पे आप ये नहीं कर सकते. तो एक डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है कि आप टू गेट अप एट 5 o'clock एंड आप टू स्लीप एट 11 o'clock इन ही हाउ. तो मेरी जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी ही है, जैसे व्हेन आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग मैं अपनी बॉडी को ज़्यादा परेशान नहीं करता हूँ. मैं अपने आप को कहता हूँ ठीक है अभी कुछ नहीं करना है, पूरा दिन पड़ा है, पूरी रात पड़ी है, तो मेरा टाइम बहुत मैनेज करके रखता हूँ मैं. सो आई गेट अप एट अ वेरी नाइस टाइम, दैट कैन बी सम टाइम 6 o'clock इन द मॉर्निंग, सम टाइम 8 o'clock इन द मॉर्निंग, सम टाइम 11 o'clock, डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइम आई स्लीप. एंड देन आई गो वर्कआउट, वॉच समथिंग. वर्कआउट करते हो? वर्कआउट मैं रोज करता हूँ अभी फिलहाल. ओके, मैं वर्कआउट तो बचपन से कर रहा हूँ, बॉडी नहीं बन रही. यार मेरे ख्याल से ना मेरा और जिम का कोई पुराना रिश्ता है, पिछले जन्म में जिम शायद मेरा कोई दुश्मन रहा होगा, इसलिए वहां जाते मोबाइल निकालता. मोबाइल तो कौन ही निकालता है जिम में, जो आजकल भेजनी पड़ती है ना स्नैप की जिम आए हैं देख लो जिम में है, तो वो एक रिचुअल है. पर मैं जिम जाता हूँ तो आई गिव माई फुल आई मीन अटेंशन टू जिम ओनली. नो अभी मैं बोलूंगा कि मैं 120 से डेडलिफ्ट करता हूँ, आई लिफ्ट 200 kgs ऑन लेग्स, ये मानेगा ही नहीं, पर इसका भी मुझे वीडियो बनाना पड़ता है. मैं वीडियो बनाता हूँ तभी मानता हूँ हाँ चल तूने माना है. अब मेरी बॉडी से लगता नहीं, बड़ा मन किसान आदमी है यार, अपनी जीन किसान वाली है, तो वो है हमारे अंदर एक एक्शन एक्शन हीरो. तो घर में पहले शादी किसकी होगी? शादी को लेके मेरा ओपिनियन ये है कि यार अंटिल अनलेस यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड टू मैरी समवन यू शुड नॉट गेट मैरिड, बिकॉज दिस डिमांड्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ, बिकॉज यू आर इनवाइटिंग समबडी else in your vicinity. So for that I am very clear ki until unless I'm not prepared in my mind ki yeah somebody is coming in my life and I have to take care of somebody, I'll have to love somebody and I'll have to sacrifice few things, I'll have to adopt new things, and if I'm not ready for that I will not do that particular thing. So I'm very clear to my mom and the people who wants me to get married. Love marriage को preference ज़्यादा दोगे या arrange को? मुझे तो लगता है मेरी arrange ही होगी. कभी ऐसा हुआ कि मम्मी ने बोला बेटा मुझे लड़की बड़ी पसंद आई है?
ऐसा ही तो नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं, इसी मोमेंट के लिए तो हम मर रहे हैं कि मम्मी बोले तो कि यार ये लड़की मुझे बहुत पसंद आई है, जो मम्मी को तो अभी कोई पसंद आई नहीं है। और जो तुझे पसंद आई है वो मम्मी को पसंद आई है? जो मुझे पसंद आई है वो मैंने मम्मी से कभी मिलाई नहीं है। चिंकी मिंकी मैं पहचानता कैसे, चिंकी है मिंकी है? देखिए यार पहले मुझे भी दिक्कत होती थी जब हमने हीरो शो ज्वाइन किया था, तो मैं बहुत कंफ्यूज रहता था कि कौन वाली चिंकी है कौन वाली मिंकी है, मतलब आई कुडंट फाइंड आइडेंटिटी डिफरेंस क्या आइडेंटिटी। फिर धीमे धीमे व्हेन यू मीट देम यू गेट टू नो देयर एटीट्यूड, दैट समवनस एटीट्यूड इज डिफरेंट समवनस इज डिफरेंट, देन अकॉर्डिंगली यू विल गेट टू फिगर आउट कि हु इज चिंकी हु इज मिंकी। तो इट्स वेरी यू नीड टू स्टडी और आइडेंटिटी वैसे नहीं पहचान पाते फेस से, वंस यू स्टार्ट यू नो little spending some time with them you get to know यार फिर समझ में आ जाता है। मेरे घर में कई जुड़वा लोग हैं, मेरे मामा लोग में से कई जुड़वा हैं, कई लोग तो आप दोनों को जुड़वा बोलते हैं मुझे भी। हाँ मुझे उसे दाद को apparently पता नहीं क्यों जुड़वा बोलते हैं, मैं 4 साल बड़ा हूँ तो ये आँखें हैं हम, वो तो आँखें भी बहुत different है यार हमारी, ये little brown eyes I have little hazel eyes I have a different face card, अभी तो थोड़ा different है, पहले तो लगता था मुझे भी लगता नहीं वो ऐसा होता यार भाई भाई है ना बिल्कुल, तो अब हमारे गांव में भी जाओगे तो उधर ऐसा होता है एक भाई को देख ले दूसरा दिखेगा भले वो डिफरेंट हो, पता चल जाता है किसकी औलादे हैं आप। और एक घर में जब दो एक्टर रहते हैं तो कितनी उनकी थिंकिंग मिलती है और कितनी उनकी थिंकिंग क्लैश होती है? अब देखो इसमें भी वेरी सॉर्टेड वेरी क्लियर कि मैं एक एक्टर हूँ वो एक एक्टर है, अब हम भाई हैं, इससे मतलब ये तो नहीं है कि घर में कंपटीशन होना जरूरी है। बिल्कुल। अब हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग में कितने एक्टर्स हैं, तो हम उनके लिए जो सोचते हैं वही मेरा भाई मेरे लिए सोचता है जब एक्टिंग पे बात आती है, और वही मैं उसके लिए सोचता हूँ। हमने साथ में शो किया हीरो में, ही केम एंड प्लेड शिवाय, अब वहां सिद्धार्थ का रुतबा बहुत ज्यादा है क्योंकि he is already done Aladdin and he is a very senior actor to me, same production, हां अब बड़ा भाई मैं हूं पर he is senior than me, so I accepted that fact that he is a senior than me, तो I have to accept then give him that respect। अब ऐसा होना कि छोटा भाई है तो तू अच्छी एक्टिंग मत करना मेरे आगे ऐसा मैं बोल देता हूँ नहीं नहीं तो वो हम ऐसा नहीं रखते हैं, तो ही इज वेरी वी आर वेरी सॉर्टेड ऑन दैट। तो जब वो हमने एक्टिंग भी साथ में शुरू शुरू में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े फीचर्स सेम है तो हमारी एक्टिंग सेम दिखती थी। अच्छा। बट फिर धीमे धीमे व्हेन यू वर्क आउट ऑन समथिंग इट वेंट ऑन अ डिफरेंट लेन, हिज एक्टिंग इज अ वेरी डिफरेंट यू नो टोन, आई हैव गॉन टू अ वेरी डिफरेंट टोन, तो वी हैव मैनेज्ड दैट। बट एंड इन शिवाय एंड हीरो इट लुक्ड आल्सो, वी वर वेरी स्कैर्ड कि यार अगर हमने हीरो देखा हम दोनों सेम ना लगे, बट इफ यू विल वॉच हीरो विल गेट टू नो यार कि शिवाय'स एक्टिंग इज वेरी डिफरेंट, वीर'स एक्टिंग इज वेरी डिफरेंट, मी एंड हिम इवन शेयरिंग द सेम स्क्रीन आर नॉट लुकिंग लाइक ब्रदर्स, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट उसका वैसा था ना। हाँ। तो हम लोग के लिए वो बहुत चैलेंज था, एंड ऑल द प्रोड्यूसर्स वर वेरी कीन कि यार ये कैसे होगा, बट इट हैपेंड, मतलब वी वर नॉट लुकिंग ब्रदर वी वर लुकिंग फ्रेंड्स, ही वाज लुकिंग एल्डर टू मी बल्कि। अच्छा ये बता इन्फ्लुएंसर के आने पे, अब इन्फ्लुएंसर का टाइम चल रहा है, उनकी फॉलोअर्स अच्छे, इससे अच्छे एक्टर को काम मिलना कम हो गया मानता है? देख अगेन इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट फॉर मी व्हाट आई गेट टू नो, यार देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स हु आर वेरी टैलेंटेड but people doesn't consider them as a good actors because they're influencers, if you think from their side. There's so many actors who are very good actors but just because they lack on the part of having great fan following and followers, they're not getting work. But aajkal dekha jaye na har jagah tujhse pehle followers puche jaate hain, ha agar tu web kar le ya kuch bhi सब तुझसे फॉलोअर पूछेंगे कितना फॉलोअर्स है। देखिए मैं सच्ची बताऊं, आई नो लॉट्स ऑफ पीपल हु आर डूइंग वंडर्स ऑन वेब, have not much followers. Fan following on Instagram, but they are very great actors and they are being called for that. So if you want to debate on that, I will say ki everybody has their own preparations and facts. मतलब अभी time influencer का चल रहा है, अगर अच्छे तुम्हारे influencers का नहीं चल रहा है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि influencers का चल रहा है, influencers are just the part. टाइम चल रहा है क्रिएटर्स इकोनॉमी का, डिजिटल इकोनॉमी का, तो दे आर अ पार्ट ऑफ इट। कितने बच्चे हैं जो इन्फ्लुएंस करके पैसे कमा रहे हैं, बट एक डिस्क्लेमर ये होना चाहिए कि यार एक मोटिव आपका होना चाहिए कि अगर आप जो भी चीज बना रहे हो उसके पीछे आप बेवकूफी मत करो जस्ट टू बी एन इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है कि आप कुछ भी इन्फ्लुएंस कर रहे हो किसी को भी, तो यू शुड इन्फ्लुएंस towards the betterment of society, कुछ भी मत करो, बस कुछ भी हो रहा है वो मत करो, डिजिटल पे हो रहा है कुछ भी हो रहा है हाँ वो मत करो यार, वो हर फील्ड में पिक्चरों में भी होता है, वो हर जगह है, तो विद मी दैट इज द थिंग कि वहां पे वो थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। मुझे ना एक चीज और लगती है जो डिजिटल पे भी
जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, पर जो एक अच्छा कंटेंट बना रहे हो कहीं ना कहीं रह जा रहे हैं, उनको रीच नहीं मिल पाती, ऐसा वो कमी तो देखो ऑडियंस की है, वो कमी ऑडियंस की है। यू अब अ लॉट ऑफ टाइम मैं अपनी अगर मैं बुराई करूँ, लॉट ऑफ टाइम आई मेक समथिंग विच आई बिलीव इज सो गुड, इट हैज गॉट लॉट्स ऑफ लेसन्स इनटू इट, इट हैज समथिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी, डजंट वर्क आउट समथिंग, कुछ ऐसी रबिश आई मेक, आई गेट लॉट्स ऑफ व्यूज, आई ऑल्सो गेट वेरी सरप्राइज बाई दी, आई डोंट अंडरस्टैंड दी एल्गोरिदम एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट देन आई सी मैं कब इसमें समझू क्या एल्गोरिदम पॉइंट, कि मैं क्या करूँ, कि मैं कभी कभार इफ आई डू अ ट्रांजिशन बहुत चल जाता है, कभी कभी मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं तीन तीन दिन तक लगा रहता हूँ, मैं उसमें म्यूजिक ढूंढता हूँ, मैं पंच ढूंढता हूँ, ये करता हूँ, चलती नहीं है, चलती है। तो बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये ऐसा है कि वही है, तो ऐसे में इन्फ्लुएंसर क्या करेगा, वो बोलेगा जो कुछ भी बनाते हैं फिर अच्छी चीज क्यों बनानी, फिर ज्यादा नहीं तो उनकी वो भी नहीं चलेगी ना कुछ भी बनाएंगे तो वो भी नहीं, कितने लोग हैं, कहाँ चलती है, सही बात। तुम देखो ना एवरी केमिस्ट्री में जब एक्सेप्शन होते हैं तो ये तो फिर भी असल वाली चीजें हैं, तो इट्स जस्ट एक्सेप्शन यार, किसी का कुछ भी बनाया हुआ चलता है, किसी का बहुत कुछ बनाया हुआ नहीं चलता, नहीं चलता। तो इतना सब करने के बाद ए टू जेड अभी की लाइफ कैसी चलती है? अभी की लाइफ में सच्ची बताऊं तो इट्स अबाउट स्टेजेस, एक स्टेज है आपने उसे खत्म किया, एक स्टेज आपने उसे खत्म किया, अब ये नया स्टेज शुरू हो रहा है जिंदगी का, जहाँ पे अब एक नए चैलेंजेस आ रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मतलब एक 10 साल खत्म हो गए, वो पैक करके रख दिए, एक 10 साल खत्म हो गए, अब ये मेरा 3रा 10वां साल चल रहा है जिसके आखिरी कुछ 3-4 साल बचे, तो अब उसमें कुछ बड़ा और कुछ अच्छा करने की बहुत ज्यादा ख्वाहिश है और मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ बिफोर आई टर्न 30, सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ बड़ा, भगवान करे ऐसा हो यार, मैं तो खुद चाहता हूँ कि बस, बट देन आई एम आल्सो लुकिंग फॉर अ नाइस अपॉर्चुनिटी एंड ट्राइंग टू गेट समथिंग बिगर, समथिंग बेटर फॉर द पीपल हु लव मी, फॉर माय सेल्फ आल्सो, सब लोग वेट कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो अभिषेक भाई अब स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर। इतना थका के कौन रैपिड फायर खेलता है फ्रेश आए थे तभी खेल लेना था। नहीं अभी खेलते हैं रैपिड फायर। अच्छा। और तुम्हें जल्दी जल्दी जवाब देना है, ठीक है? और जल्दी जल्दी जवाब देने के बाद आपको मिलेगा नित्यार्णा फार्म्स की तरफ से एक गिफ्ट हैंपर, पर अच्छा। उसके लिए आपको ना फटाफट जवाब देने पड़ेंगे बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है? और सारे सच सच। व्हाट्स मेक यू एंग्री? फालतू के लोग। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपने जो मिस करी हो और आपको उसके लिए दूसरा चांस चाहिए? अभी तक ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आई नहीं है जो मैंने मिस करी और मुझे दूसरा चांस चाहिए। फोन सेक्स और पॉन? पॉन। लास्ट हुकअप कब था आपका? जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी ज्यादा करता था, छोटी चड्डी पहनता था। बताया? बताया तो। अच्छा, अगर तुझे चांस मिले कोई एक्ट्रेस से लैप डांस लेने का तो कौन होगी वो? ऐसा आई डोंट एंटरटेन दिस honestly, lap dance doesn't excites me. I would take something else. क्या दोनों भाई लड़कियों की बातें करते एक दूसरे के साथ और प्रोफाइल शेयर करते? भाई देखना कितनी मस्त लड़की है, अगर प्रोफाइल शेयर करना। हम ये नहीं करें तो हम नॉर्मली नहीं है फिर। कभी डबल डेट किया है? नहीं। सिंगल? नहीं, 4-1 साल। मजाक कर रहा हूँ, पता था मैं काट के आगे का, मजाक कर रहा हूँ, मत काट देना। अच्छा पॉइंट। कभी मम्मी को झूठ बोल के डेट पे गए हो किसी लड़की के साथ? करना पड़ता है भाई। मम्मी को पता चला? नहीं, इतने भी गए गुजरे नहीं है। कभी भी लड़की पीछे पड़ी है? हाँ। अच्छा, नाम बता सकते है? नहीं, नॉट गुड फॉर हर। कोई ऐसी वियर्ड थिंग सिद्धार्थ के फैन ने आपको मैसेज करके बोला हो सिद्धार्थ के बारे में? बहुत सारी चीजें हो जाती है यार, मतलब बिकॉज समटाइम दे आर वेरी यंग, दे डजंट नो, तो दे माइट कम एंड टेल मी वेरी डिफरेंट, अजीब सी चीजें। अब मुझे ऐसा लगता है इसको मैं क्या जवाब दूँ, इसको बच्चे को मैं कैसे समझाऊंगी, बेटा जिंदगी में असली में ऐसा नहीं होता। तो अब आ जाती हैं ऐसी 3-4 चीजें। सिद्धार्थ की कोई बैड हैबिट क्या है? सिद्धार्थ की बैड हैबिट कि वो मुझसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है। ये तो अच्छी बात है मेरे लिए। नहीं, काम को छोड़ने के लिए, स्किप करने के लिए झूठ बोलते हो? नहीं, काम पहले काम पहले काम पहले। तो तेरी बैड हैबिट क्या है?
मेरी बैड हैबिट यार एक होती तो मैं बता देता, रैबिट बैड में कई है तो तुझे अलग से पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा। पर मेरी बैड हैबिट ये है कि यार आई एम वेरी बैड एट कम्युनिकेशन, आई एम वेरी बैड एट कीपिंग टच विद पीपल, जैसे विद यू एंड मी ऑल्सो, लाइक हम मिले तो हमारी दोस्ती ऐसी कि भाई हम तो जन्म के भाई हैं, नहीं मिले तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, मतलब आई एम वेरी बैड एट कीपिंग टच, ही ऑल्सो नोस दैट। आपकी सबसे बड़ी वीकनेस? वो मैं बता नहीं सकता। फायदा उठाएंगे बता ना यार, मेरी सबसे बड़ी वीकनेस ऐसी कोई है नहीं वीकनेस यार, मेरी सबसे बड़ी वीकनेस मैंने कभी सोचा नहीं मेरी वीकनेस क्या है। अच्छा, अपने आप को किस में कंपेयर करता है, इन्फ्लुएंसर में और एक्टर में? आई वुड कॉल माई सेल्फ एन एक्टर एन एंटरटेनर, बट देन आई वुड नॉट लिमिट माई सेल्फ टू एनीथिंग एल्स। ओके, भाई का फोन कभी चोरी छुपे चेक किया है? ऑनेस्टली जरूरत नहीं पड़ती, सब बता देता है, खुला जाता है, खुद ही आ गया था ये सीधा बच्चा है, मैं भी वही हूँ भाई ये देख। कोई यूजलेस टैलेंट कहते थे मैं, यूजलेस टैलेंट मेरे तो सारे टैलेंट यूजलेस ही हैं। कोई एक बता दे भाई, तुझे बता नहीं सकता। अरे सॉरी सॉरी, मैं देख हो रहा हूँ, ज्यादा मेरे से डबल मीनिंग बात मत कर। मेरा यूजलेस टैलेंट, मैंने ये हिला लेता ऐसा कुछ है। हाँ। ना फुला ना। This is very useless. बुलेट होता है। हाँ। This is very useless. अच्छा बढ़िया है। अगर आपको अगले जन्म में कोई जानवर बनने का मौका मिले तो कौन सा जानवर बनना पसंद करोगे? चीता। 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 चीता भी पीता है। हाँ। बीच, पार्किंग एंड पब्लिक एरिया कभी मेकआउट किया? नहीं, कोई जगह वेरी कल्चर्ड रूम में, आई वुड प्रेफर दैट। अच्छा, कभी ऐसा कि मौका नहीं मिला? नहीं, मौका भी मिलेगा तो नहीं करूँगा। कोई मौका मिला है थ्रीसम के लिए? नहीं मिला, तो देखी जाएगी। कभी किसी गे के साथ एनकाउंटर हुआ? आई वुड से एनकाउंटर्स हुए हैं, बट देन देव ऑलवेज बीन वेरी नाइस टू मी, they've always been very respectful to me, I've always been very respectful to them, and I never kabhi I never got like this ki this or that, I'm very okay. Achha. that's somebody's choice and I respect that and he respects that. Well, he respects my choice. So I would like aapki koi Bollywood crush? Bollywood crush says hain, crushes hain number 1 pe, number 1 pe I would say Katrina Kaif has always been my number 1 crush. Aishwarya Rai has been my number 1 number 2 crush. And then if I'll talk about acting skills, Alia Bhatt has been the fantastic actor for me. And male? Male mein, number top I would say Shah Rukh Khan, Akshay Kumar, all of these are my favorite actors. So Abhishek bhai, kya khela hai yaar tu rapid fire, maza aa gaya. Thank you, khud ke liye taali baja deta hu. Maza aa gaya. तो अभिषेक भाई बहुत मजा आया आपसे मिलकर और आपने फटाफट जवाब दिए, इसकी वजह से आपको मिलता है निटारना फार्म्स की तरफ से गिफ्ट हैंपर। क्या बात है, थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया ब्रो, ऑनेस्टली बताऊं तो दिल से बातें करी हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छे से सवाल पूछे, मुझे लगता है मैंने सही जवाब दिए हूं। तो मुझे तो बहुत मजा आया, आई रियली एंजॉयड एंड आई रियली फेल्ट लाइक आई एम टॉकिंग टू फ्रेंड्स। मतलब दोस्ती वाली बातें, यही बातें हम शायद आराम से बैठ के भी करते हैं। एंड बहुत ही अच्छा नया वेंचर जो तुमने खोला है, पॉडकास्ट अड्डा, बहुत ही अच्छा है। एंड आई वुड से कि प्लीज वॉच देयर एपिसोड्स, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब देयर चैनल एंड लिसन टू मोर कॉन्टेंट्स लाइक दैट। एंड कॉमेंट्स में बताइए भी कि आगे और क्या कर सकते हैं प्लीज। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन एल्स फ्रॉम द फ्रेटर्निटी ऑल्सो वुड कम एंड जॉइन देम फॉर अ नाइस कॉन्वर्सेशन। एंड यस, ऑल द बेस्ट टू यू गाइज एंड थैंक यू भाई, थैंक यू, विश यू लक, सो मच भाई, थैंक यू। तो देखते रहिए पॉडकास्ट अड्डा, जहां पर आएंगे ढेर सारे अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज और क्या होगी, बनेंगी ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें, जहां पे होंगे ये दो अच्छे अच्छे यार दोस्त भाई, उनके साथ मिलकर करेंगे ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन राइट नाउ ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू भाई, लव यू। क्या खत्म हो गई क्या? मम हो गए मम, रुक जाओ अभी भी है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी लेते हैं तो देखते रहिए ऐसे हमारा चैनल, तो हम आपके लिए ऐसे हाँ ये बोलते हैं।